नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश। आपने ट्यून इन किया है माई क्रिकेट प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में पहली दफा शुरू हुए मिड सीजन ट्रांसफर विंडो अब फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक दो फ्रेंचाइजीज और टीम्स को छोड़ दें तो किसी तरह का कोई भी इंटरेस्ट आईपीएल की फ्रेंचाइजीज और टीमों ने इसमें नहीं दिखाया है। दरअसल आईपीएल के 28वें मैच से ये विंडो थी वो चालू हो गई थी, 42वें मैच तक ये विंडो अभी भी खुली रहेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद एक भी मिड सीजन ट्रांसफर इस बार के इंडियन प्रीमियर लीग में देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, जब ये विंडो खुली थी उसके एक दो दिन बाद ही कई सारे जो फ्रेंचाइजीज मैनेजमेंट के लीडर्स हैं उन्होंने अलग अलग न्यूज़ वेबसाइट्स को इंटरव्यू दिए थे, जिसमें यही बात सामने आ रही थी कि वो कीन नहीं है इस प्रोसेस के लिए। उनका मेन रीज़न है इस प्रोसेस के रूल्स काफ़ी ज़्यादा लिजिट है। दरअसल दोस्तों, इस प्रोसेस के रूल्स के अनुसार कई सारे खिलाड़ी एलिजिबल हो गए हैं, जिसकी लिस्ट मैंने पहले भी आपको बताई थी, लेकिन ये खिलाड़ी अपने मुताबिक दूसरी टीम में ट्रांसफ़र आउट नहीं कर सकते। इसमें दोनों ही टीमों के मैनेजमेंट, कैप्टेंस और कोर को जो है फैसला लेना है। जाहिर है बहुत सारी जो टीमें हैं वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस इंडियन प्रीमियर लीग में कर रही हैं, बहुत टफ कॉम्पिटिशन है और कोई भी टीम अपना कोर जो विदेशी खिलाड़ी है उसको छोड़ना नहीं चाहती। दूसरी बड़ी बात दोस्तों यह है कि रिपोर्ट्स की माने तो शायद इंडियन प्लेयर्स इसका हिस्सा नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं इंडियन प्लेयर्स हैं, लेकिन इंडियन कैप्ड प्लेयर्स इसका हिस्सा नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कोई भी मिड सीजन ट्रांसफर अभी तक देखने को नहीं मिला है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स की टीम इकलौती ऐसी टीम है जिन्होंने रिक्वेस्ट की है बीसीसीआई को, उनके एक खिलाड़ी इस शोडी को उन्होंने अप किया है मिड सीजन ट्रांसफर के लिए, लेकिन दूसरी किसी भी फ्रेंचाइजीज ने इस शोडी में किसी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसका मतलब साफ है कि शायद ये प्लेयर भी इस बार की जो मिड सीजन ट्रांसफर विंडो है उसमें ट्रांसफर आउट नहीं होने वाला है। तो गाइस, जो अभी मोटिव आउट निकल कर यही आ रहा है कि इस बार की जो मिड सीजन ट्रांसफर विंडो थी वो हो गई है फ्लॉप। हालांकि दोस्तों, बीसीसीआई अगली बार के मिड सीजन ट्रांसफर में अच्छे खासे बदलाव कर इसे फिर से लाएगा, जिसमें भारतीय कैप्ड खिलाड़ी और जो इसमें बंदिशें लगी है मैचों की और रूल्स की, उसको शायद थोड़ा सा खत्म जरूर किया जाएगा। तो गाइस, ये तो थी हमारी रिपोर्ट, हमारी न्यूज मिड सीजन ट्रांसफर से जुड़ी। इसी तरह की और खबरें और वीडियोस लगातार पाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।